Hi guys, welcome to my channel. So guys, finally मेरे दोस्त मिल चुकी है. So guys, finally हम लोग पहुंच चुके हैं मानबोरान द एंशिएंट सिटी. आप देख सकते हैं बहुत पुरानी सिटी. ऐसा व्यू है. यू कैन सी व्हाट इज रिटन देयर. द लार्जेस्ट प्राइवेट आउटडोर म्यूजियम ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी. प्राइवेट म्यूजियम है बस, बट बेस्ट है टूरिस्ट के लिए. यहाँ टूरिस्ट बहुत विजिट करते हैं. आप देख सकते हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा अंदर में. सो गाइस, फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और टिकट काउंटर के पास आप देख सकते हैं टिकट काउंटर. ये एरिया 200 एकड़ में फैला हुआ है. बहुत बड़ा है ये. इसको देखने के लिए लोग स्कूटर रेंट करते हैं, प्लस गाड़ी रेंट करते हैं और टुकटुक भी चलती है. ऐसे इलेक्ट्रिक जो आपको ओपन दिख रहा है वो भी चलती है. तो गाइस, इसको देखने बहुत बड़ा है. 200 एकड़ आप देख समझ सकते हैं, पूरा दिन लग जाएगा देखने में. तो हम लोग को तो टाइम हो गया आने में, लगभग यहाँ 12 बज रहा आने को. अब देखते हैं कि हम लोग देख पाएंगे कि नहीं. चलते हैं अंदर. ये दोनों को देख सकते हैं. यही दोनों जो इसको बनाने में हेल्प किए हैं, प्रापाय बिरियाबुन एंड लेक बिरियाबुन. आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है. द पर्पज ऑफ दिस लाइव प्रोसेस इज टू बाइंड इंडिविजुअल फैमिली रेस सिटीजन्स एंड कंट्रीज टुगेदर इन द यूनिटी ऑफ ग्रेट ह्यूमैनिटी. सो ये दोनों ये सिटी को पूरा बनाए. सो ये टिकट काउंटर है, आप देख सकते हैं. हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट ले लिया था तो फिर हम लोग को लेना नहीं पड़ा टिकट. और ये ऐसा व्यू आप देख सकते हैं. यहाँ पे मूवी भी शूट हो चुका है. आपको बहुत सारे मूवी और ड्रामा. ये मैप है जो हमें दिया गया है. ये मार्किंग है जहाँ हमें विजिट करना है. आप देख सकते हैं ये सब प्लेसेस इतना बड़ा है. ये सब घूमने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन लगेगा. और यहाँ अवेलेबल है आपको बोट स्टेशन, कार पार्क, फोटो स्पॉट्स भी है, थाईलैंड ट्रेडिशन कॉस्ट्यूम भी मिलेगा आपको. सो गाइस, ये देख सकते हैं हम लोग. ऐसा व्यू है. ये एंट्री के सामने का एंट्री और ये मैप है पूरा, क्या क्या कहाँ पे है. अब देख सकते हैं ये सब डिस्टिनेशन पोर्ट है जहाँ फ़ोटोशूट के लिए है, वो फ़ोटोशूट के लिए है. तो गाइस, हमने घूमने के लिए बाइसाइकिल रेंट किया फॉर अनलिमिटेड आवर्स. बाकी सब रेंट करने के लिए जैसे वो है, आपको देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसके लिए 1 घंटा था, उसके बाद फिर चार्ज लग रहा था पर आवर के लिए. लेकिन बाइसाइकिल है एवरी मतलब अनलिमिटेड के लिए है. और आपको ये गोल्फ़ कार्ट भी मिल जाएगा. गोल्फ़ कार्ट भी है, वो भी 350 वाट का है, पर 1 घंटा के बाद 100 वाट पर आवर लगेगा. तो ये बहुत बड़ा है और हमें मालूम नहीं है, तो फिर इसीलिए हम लोग बाईसाइकिल लिए हैं. बाईसाइकिल से जा रहे हैं और यही इसी से पूरा घूमेंगे. तो चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा बाईसाइकिल से घूम घूम कर.
तो भाई साहब मैं तो अभी थक गया चलाने में, इतने दिन के बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ, बहुत दिनों बाद, और ऑलरेडी मेरा पैर थका। सी हेलो कपन खा सवादी खा एंड देयर इज कमिंग टुक टुक, यू कैन आल्सो हायर। ओह सो हेवी मेरा अभी से पैर दुखने लगा भाई। सो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा बिल्डिंग है, मालूम तो नहीं कौन सा पॉइंट है। सो गाइस जब हम लोग अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या है बिल्डिंग में, पूरा एकदम गोल्ड गोल्ड लग रहा है एकदम। देयर इज अ स्टैचू ऑफ धृतराष्ट्र, आई डोंट नो हु दे आर, एंड दिस इज द स्टैचू ऑफ विरुधा का, और ये हैं विरूपक्षा एंड यो वीर सवाना एंड सी वाओ सच अ ब्यूटीफुल। इस बिल्डिंग के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, द बर्थ ऑफ बुद्धा पोजिशन, ये पूरा लिखा हुआ है। बिल्डिंग कितना खूबसूरत बनाया गया, पूरा एकदम लग रहा है एकदम गोल्ड गोल्ड। सीडीस आपको यहाँ बेल भी मिल जाएगा बजाने को, आप देख सकते हैं घंटी, और ये ऐसा इस बिल्डिंग के बगल में है। कितना बड़ा था, पूरा सोते हुए एकदम दिखाया गया एकदम पूरा स्टैचू को, एंड छोटे छोटे स्टैचू यहाँ पर रखे हुए हैं सामने। ये प्लेस देखने के बाद हम लोग अदर प्लेस पे चलते हैं और फिर अदर प्लेस दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कितना टूरिस्ट का भीड़ है। ये मेनली टूरिस्ट का जगह है, यहाँ पे आने पे पूरा दिन चला जाता है। ये अब देखने के बाद हम लोग चल दिए इधर आगे, और इधर आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट है, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग, ओल्ड एंशिएंट बिल्डिंग। दूसरे स्पॉट पर जाते हैं, ये यहाँ पर टिकट चेक हो रहा है, टिकट दिखाते हैं और अंदर चलते हैं। टिकट दिखा दिया चेक पॉइंट पर, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। नहीं भाई धूप बहुत है, धूप ये बहुत है, स्वेटिंग बहुत हो रहा है, आप देख सकते हैं ऐसा पीछे का व्यू है, और मेरे सामने आप देख सकते हैं पुराने पुराने बिल्डिंग हैं, ये सब पुराने पुराने बिल्डिंग हैं आप देख सकते हैं। इसका नाम ही एंशिएंट बिल्डिंग, एंशिएंट सिटी, आपको एवरी बिल्डिंग आपको पुराने दिखेंगे, ओल्ड दिखेंगे। सी दिस ये अभी काम चल रहा है यहाँ पे सामने, आप देख सकते हैं ये भी काम चल रहा है। यहाँ पे साइकिल पार्किंग का है, यहाँ साइकिल पार्किंग करके फिर पैदल घूम सकते हैं। सो गाइस साइकिल रुकने के बाद हम लोग बिल्डिंग देखने आ गए हैं, बिल्डिंग सिर्फ आप देख सकते हैं ऊपर से कैसा है, अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने का भी है लेकिन अभी काम चल रहा है अंदर में, और इधर बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, ओल्ड म्यूजिक। सो गाइस ये आ गए हैं अदर प्लेस पे, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, यहाँ पे पानी है, पानी है और झरना, और आप सामने देख सकते हैं फ़ोटो के लिए कितना मस्त है,
यहाँ बीच में बैठ कर आप फोटो ले सकते हैं। यह सब नज़ारा आप देख सकते हो। और पीछे ये फाउंटेन है, इधर फाउंटेन लगा हुआ है। और ये थर्ड बिल्डिंग है, अब फर्स्ट दिखाया था, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। अब आगे चलते हैं और एक ये है, आप ये देख सकते हैं ये बिल्डिंग। और आगे और भी है, और भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। सो यू कैन सी, और ये भी आप क्या बोलते हैं ले सकते हैं, वंडर्स ऑफ थाईलैंड। इसमें भी बैठ कर सबको घुमा रहे हैं। और ये गोल्फ कोर्ट आप जानते ही हैं। ये ऐसा नज़ारा है, इधर भी बिल्डिंग है, इधर कारें आ रही है, शायद कार लेकर भी आप घूम सकते हैं। ये सिटी 200 एकड़ में फैला हुआ है। और इधर आपको हर एक प्लेस पे आपको टॉयलेट मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं एनिमल्स, एनिमल्स के स्टैचू। आप देख सकते हैं बफेलो, हिप्पोपोटामस, सब जानवर यहाँ पे हैं। इवन वैन भी यहाँ पे लेकर घूम रहे हैं टूरिस्ट को। और ये देखिए ये कितना पुराना एंशिएंट है। ये ऐसा लग रहा है टूट चुका है धीरे धीरे, शायद इसे मेकओवर नहीं कर रहे हैं इसलिए हम। और ये देखिए हम लोग को मैप दिए हुआ है, मैप देख कर हमको आगे बढ़ना हो रहा है। कैन वी गो हियर? या सी दिस, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है जस्ट क्या बोलेंगे आप समझ जाओ। और सी इवन लोग कार लेकर आ रहे हैं और इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। See this. ये आप देख सकते हैं ये पहाड़ पे भी बना हुआ है बिल्डिंग। वो फ्लैग देख रहा है आपको, वहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन वहाँ पे सब जा रहे हैं। आई नो हाउ टू गो बट लेट्स ट्राई टू गो देयर। सो वी आर गोइंग देयर, वी आर गोइंग देयर। सो गाइज हम लोग नज़दीक में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ पे बना हुआ टेम्पल्स। और इधर भी टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने, मुझे लगा हम मैं ही अकेला हूँ। सो यू आर टायर्ड? नो नॉट टायर्ड, भाई साहब तो थकी भी नहीं है। या यू आर स्ट्रॉन्ग वुमेन। हम लोग दूसरे साइड आ गए रोड से, ये ले सकते हैं आप इसे। From there to there. So finally, तो प्लेस नहीं घूमे, आधा से आधा घूमे हैं, फुल नहीं घूमे हैं। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं खाने को जगह और वहाँ जाकर खाएंगे। इसके बाद फिर जो भी स्पोर्ट्स है, जो फोटो शूट का जगह है, वहाँ लोग जाकर फिर इसके बाद फ़ोटो शूट करेंगे। और फिर यहाँ तीन चार फोटो शूट जगह जो फेमस है वहाँ पर जाएंगे खाने के बाद। चलते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा मेरे पीछे। यहाँ पे धूप नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे पूरा शेडिंग है प्लांट्स का, आसपास के पूरा पेड़ है। और बिल्डिंग भी एकदम पुरानी हो चुकी है, पुराने पुराने बिल्डिंग है। जो मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पे नए नए बिल्डिंग बना रखे हैं और उसे पुराने को नए कर रहे हैं। भाई साहब बहुत थक गया हूँ साइकिल चला चला कर। तो भाई साइकिल चला चला जाते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम के पास। आप देख सकते हैं होकाम म्यूज़ियम लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग जूता निकाल के अंदर जाना है, तो जूता निकाल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है बिल्डिंग। आप देख सकते हैं बाहर से कैसी है, पूरा एकदम पुराना हो चुकी है। और मुझे लगता नहीं कुछ अंदर होगा लेकिन फिर भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। एंट्रेंस पे आपको ये दिखेगा और ये अंदर में ये आपको दिखेगा।
ये आपको फर्स्ट एंट्रेंस में कैनन दिखेगा, और यहाँ पे दिखा हुआ डोंट फोटो शूट बट स्टिल लाइव शूटिंग। ये देख सकते हैं पुराना राजा के सब, ये सब यूटेंसिल्स है आप देख सकते हैं। ये बर्तन सब है जो म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है, बहुत पुराना पुराना, लिखा तो नहीं हुआ है कि हाँ ये कब का है, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत पुराना है। और ये आप देख सकते हैं ये सब बेड है, और वहाँ पे बैठने का जगह है, लेकिन से जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है जो रखा है। चलते अब यहाँ से बाहर। यही बिल्डिंग थी, ज़्यादा खास नहीं म्यूज़ियम, बस बर्तन रखे हुए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं बोट, ये पुराने पुराने कायक बोट, ये देख सकते हैं कितना पुराना बोट रखा हुआ है यहाँ पे। ये पुरानी बिल्डिंग, ये स्टैचू है बुद्ध बौद्ध का, हाँ गाइज मैं टोटली थक चुका हूँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो पसंद है तो लाइक करो भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देख सकते हैं हर जगह पे एकदम काम करने वाले सब हैं, एकदम ब्यूटीफुल बनाने के लिए प्लेस को। ये देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग, ये आप देखिए कितने पुराने बिल्डिंग हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ गिर चुकी है, इसको फिर काट के हटाया जा रहा है। ये देखिए कितना हैवी गिर हुई है, पूरा जड़ से ही गिर चुका है। आपको पेड़ को बचाने के लिए देख सकते हैं आपको बाइंड करके रखा गया है। और इधर मॉन्क है, उधर प्रार्थना चल रही है, देख सकते हैं प्रार्थना चल रहा है। ये आप देख सकते हैं रेसिडेंट ऑफ द फाउंडर ऑफ लेक वीरियाभून, ये उनका रेसिडेंट रहने का जगह था। आप ये देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बना रखा है एकदम पूरा लकड़ी का, जैसे पुराने पुराने घर दिख रहे हैं आपको, देख सकते हैं। और ये आप देखते हैं स्टैचू द कॉरेज ऑफ पीपल ऑफ बांग रचान, शायद कोई कम्युनिटी थी जो बहुत ब्रेव थी, उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं काट जो बोलते हैं ना बैलगाड़ी, लेकिन ये हाथ से चलाने वाली है। और ये कार्ड थी, और ये जानवरों को रखने के लिए, अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी भी शायद रखते हैं लेकिन अभी जानवर नहीं दिख रहा है। वो आ चुके हैं स्पॉट्स के पास, आप देख सकते हैं कितना प्यारा बिल्डिंग है। यहाँ पे फोटोशूट का साइन दिख रहा है कोई, तो गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरी बिल्डिंग है जो टेम्पल है, फिर आप ओल्ड टेम्पल आप देख सकते हैं। हम लोग फिर आगे जा रहे हैं, ये पीछे ऑलरेडी सेम है, अब इसे छोड़ के हम लोग आगे जा रहे हैं। बहुत बड़ा है ये, और पूरा कवर करने लगे तो फिर ये कम से कम एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो यू कैन सी दिस, हम लोग यहाँ से ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट बसेस कितना है, एवरीवन हैव देयर कैप, सी द टूरिस्ट, जैसे 24 नंबर का बोर्ड लेके घूम रहे हैं, टूरिस्टर को बुला रहे हैं, कम लेट्स गो। अरे यार वो कहाँ चली गई, अभी साथ में थी, अभी नहीं मिल रही है। हो मुझे रुकना पड़ेगा, हम रुक के फिर देखना पड़ेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फाइनली मेरी दोस्त मिल चुकी है, आई डोंट नो कहाँ घूम गई थी यहाँ पे। ओ भाई ये मुझे छोड़ के अकेले भाग गई थी। मैं इसे ढूंढ रहा था इधर उधर, फाइनली मिल गई। सो गाइस वो तो मिल गई, यहाँ पे आके खड़ी हुई थी, आप देख सकते हैं साइकिल, और वो थक गई है पूरी, वो आराम कर रही है। और आप देख सकते हैं ये हाथी, और ये आप देख सकते प्लेस, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी जो अंदर है सब वो टूट चुका है और बहुत पुराने हैं,
और जो अच्छा बचा हुआ है वो जो मेन एंट्री है वहाँ पे बचा हुआ है। और इधर टूरिस्ट बसेज है जो अपने जितना भी मतलब टूरिस्टर है तो पहन के सब जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सबके ऊपर घूम रहे हैं, पीछे पीछे टोपी होगा आपको देख सकते हैं सबका अलग अलग। सो गाइस चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं फ्लोटिंग मार्केट। सी गाइस माय फ्रेंड इज डायरेक्टर टॉकिंग नर्वसली बी क्लोजर वोंट बी लॉन्ग नाउ यू मेड मी राइट दिस सॉन्ग यू वी से बट डोंट नो हाउ बी फार अवे फ्रॉम टाउन वी टॉक टिल वी कांट नो मोर यू नो आई लाइक आई फाउंड यू फॉर ट्रैक ऑफ द टाइम।